हे दिव्य फल, मुझे ब्रह्मलोक का अवलोकन कराओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवी सरस्वती। स्वामी। परमपिता आप धन्य हैं। हे दिव्य फल, मैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दिव्य फल, प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाओगे? नारायण नारायण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सब प्रेम में ही होगा। नारायण नारायण, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। उचित यही होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी पूज्य को भेंट कर दूं। नारायण नारायण। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी। ये अचानक आपको क्या हो गया है? नहीं देवी, ये अचानक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्वाभाविक रूप से हुआ है। सत्य तो यह है कि यह नारद के प्रेम में दिव्य फल का प्रभाव है। दिव्य फल जिसे प्रकट करके दिखाता है उसमें प्रेम का संचार कर देता है और उसी प्रेम संचार तरंगों के वृत्त में हम दोनों घिरे हुए हैं देवी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। माता, इस दिव्य फल की विचित्रता से मैं भी चकित हूँ श्री हरि। इसलिए ये दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूँ। नारद, किसी की दी हुई भेंट हम स्वीकार नहीं करते। ये दिव्य फल तुम्हें गुरु बृहस्पति से भेंट में प्राप्त हुआ है और सत्य तो यह है ये तुम्हें भेंट में भी नहीं मिला है। तुमने इसे पारिजात वृक्ष से चुराया है और चुराया हुआ फल हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं नारद? और नारद, वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि से देख ही लेते हैं और हम इसे खा भी नहीं सकते क्योंकि इसे खाने से हमारी शुद्धा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी और हम अपने भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस दिव्य फल का क्या करूं श्री हरि? ये दिव्य फल मेरे भी मन में चंचलता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मैं इस फल से मुक्त होना चाहता हूँ श्री हरि। उत्तम यही होगा कि तुम इसे शिव शंभू के चरणों में समर्पित कर दो। पुष्पाई भगवान शिव ही ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तुओं को आत्मसात कर सकते हैं। श्री हरि, आपका परामर्श उचित ही नहीं उत्तम भी है। मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण। लंबे समय तक आपके शुभ आशीर्वाद से वंचित रहने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुद्धि सिद्धि, गणेश की व्यस्तता मैं जानती हूँ और तुम दोनों रात दिन मेरे पुत्र की सेवा में लगी रहकर
गणेश भक्तों को बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि प्रदान करती हो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ ना आ पाने की व्यवस्था भी मैं समझती हूँ। माता, तुम तो जानती हो कि आप दोनों का स्थान तो मेरे हृदय मंदिर में विराजमान है, इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मैं मस्तक झुकाकर आप दोनों के दर्शन कर लेता हूँ। उत्तम, बुद्धि सिद्धि के साथ रहकर तुम्हारी भाषा कलात्मक और अलंकार पूर्ण हो गई। नटराज शिव और नटराजनी शिवा का पुत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। प्रभु, यह किसी की संगति का प्रभाव नहीं है, परंतु देवर्षि नारद ने कैलाश से गणेश लोक में हमें उल्हाना दिया कि हम कैलाश न आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसी आरोप को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। हे विघ्नहर्ता गणेश, कैलाश पे आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्पित करना चाहता हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। मौन क्यों है? क्या आपको मेरी भेंट स्वीकार नहीं? जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही। भक्त की भेंट हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु ये दिव्य फल यहाँ रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्र वधुएं यहाँ उपस्थित है स्वामी, यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं, आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश, हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगी वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव, आज्ञा महादेव। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेवी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या क्या है महादेव? ब्रह्मदेव, हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव क्या आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा, वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। वे निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर
यहाँ नहीं आ सकते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। पुत्र कार्तिकेय, तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माता। ये देख रही हो रोहिणी विधाता की माया? उधर देखो उस गजमुख और लंबोदर गणेश को। उसे देखने के पश्चात उसकी उन दोनों सुंदर पत्नियों बुद्धि और सिद्धि को भी देखो। भला कोई मेल है इनमें? कहां कुरुपति और कहां अनुपम सुंदर पत्नी? ये दोनों इसे प्राप्त कैसे हो गई, यही आश्चर्य का विषय है। इससे अधिक आश्चर्य तो ये सोचकर होता है कि इन दोनों ने ऐसे कुरूप को पति के रूप में स्वीकार कर कैसे लिया। मेरे आह्वान पर भी कार्तिकेय अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे स्वामी? देवी पार्वती, कार्तिकेय अपने भक्तों में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध। तुमने तो प्रत्यक्ष देखा भी है कि स्वामी के भक्तगण अपने स्वामी को अपने से एक पल के लिए भी दूर होने देना नहीं चाहते। इसलिए कार्तिकेय को यहाँ आने में विलंब तो होगा ही, इसलिए तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो देखिए स्वामी, कार्तिकेय को स्मरण करते ही वह यहाँ प्रकट हो गए। यही तो लक्षण है युग युगों तक कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का नाम अमर होने का। माता पार्वती और पिता शिव शंकर को प्रणाम। कल्याण भाव। आपने मेरा स्मरण किया, मैं धन्य हुआ। आज तुमसे मिलने का निमित्त मिल गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया पुत्र। इसका श्रेय देवर्षि को है। पुत्र कार्तिकेय, देवर्षि नारद ने हमें पारिजात वृक्ष का ये दिव्य फल लाकर दिया है, इसे हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। इस फल की विशेषता ये है कि इसमें इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं और वार्तालाप भी हो सकती है। हमने इसी दिव्य फल के माध्यम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। लो पुत्र। ये फल तुम अपने पास रखकर इच्छा अनुसार हमसे वार्तालाप कर सकोगे, हमें देख सकोगे। ये दिव्य फल तो गणेश भैया के पास होना चाहिए। छोटा भाई होने के नाते इस फल पर पहला अधिकार गणेश का है। स्वामी, आपको चिंता में देखकर हम भी चिंतित हैं। चिंता का कारण बताएं, हम इसी समय उसका अंत कर देंगे। लीजिए स्वामी। पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है प्रभु? गणेश भैया की चिंता का कारण आपसे तो छिपा नहीं होगा, बताएं कि गणेश चिंतित क्यों है? गणेश की चिंता से तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कार्तिकेय। ये भावी घटना का संकेत मात्र है। इस समय तो उचित यही होगा कि तुम उसका आह्वान न करके उसे इसी दिव्य फल में देखकर संतुष्ट हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हें उससे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर।
माता, क्या अब आप मुझे श्रीशैल पर्वत लौटने की आज्ञा देंगी? मैंने कहा था ना देवी कि कार्तिकेय अपने भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। अब तुम अपने प्रिय पुत्र को जाने की आज्ञा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा कार्तिकेय, किंतु भविष्य में यहाँ आने के लिए हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करना, शीघ्र ही हमसे मिलने यहाँ आ जाना। निश्चिंत रहे माता, मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों के दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगा। गणेश की चिंता ने तो मुझे भी चिंतित कर दिया है स्वामी। आप मुझे ये बताएं कि बुद्धि और सिद्धि के साथ होते हुए भी गणेश की चिंता का कारण क्या है? देवी पार्वती, समय से पूर्व यदि रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो इससे भावी घटनाएं प्रभावित होती हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं। समय आने पर सभी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तब तक तुम निश्चिंत होकर प्रतीक्षा करो।